सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, नीट का पेपर रद्द हो सकता है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री के स्तर पर फैसला लेना है, नीट का पेपर लिखवा है, एनटीए ने नीट की परीक्षा ली थी और जब जो खबर अब सामने आ रही है वो खबर ये है कि नीट का पेपर जो है वो रद्द हो सकता है। जिस तरीके से पेपर लीक का पूरा यह मामला सामने आया और ऐसे में अभ्यर्थियों की तरफ से भी सवाल लगातार उठाए जाते रहे, लेकिन जो अंतिम फैसला जो है वो शिक्षा मंत्री को लेना है, शिक्षा मंत्री के स्तर पर यह फैसला लेना है, लेकिन माना यह जा रहा है कि शायद इस ओर जो है अब कदम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित, क्या अब संभावनाएं ये नजर आ रही है कि नीट का पेपर रद्द हो सकता है? देखिए बिल्कुल, सबसे बड़ी खबर जो है वो न्यूज 18 देने जा रहा है अपने दर्शकों को कि नीट का जो पेपर है 2024 का वो रद्द हो सकता है और इसकी पूरी संभावना जो है वो सामने नजर आ रही है। क्योंकि कल जो एयूयू के एडीजी हैं नैयर हसनैन खान, वो जब दिल्ली गए थे, धर्मेंद्र प्रधान से उनकी मुलाकात हुई, तो उस वक्त एनटीए के जो एग्जिट पदाधिकारी हैं उन्हें भी धर्मेंद्र प्रधान ने बुलाया और दोनों को बैठा करके पूरे मसले, पूरे घटनाक्रम के बारे में बारीकी से जानकारी ली। और जो एयूयू का जांच टीम है, जो अनुसंधान किया है बारीकी तरीके से, उससे धर्मेंद्र प्रधान जो है वो पूरी तौर पर सहमत नजर आए, एनटीए जो है वो भी सहमत नजर आया। और अब तक वो एनटीए जो किसी भी तरह का सहयोग नहीं कर रहा था, तीन दिन मेल के बाद भी मूल प्रश्न पत्र नहीं दिया, दो अधिकारी जब दिल्ली गए तो उन्हें मूल प्रश्न पत्र की कॉपी उपलब्ध नहीं कराया, वो अब पूरी सहयोग करने की बात कह रहा है। और अब निर्णय जो है वो अंतिम निर्णय वो धर्मेंद्र प्रधान को लेना है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, और जाहिर सी बात है कि वो अगर निर्णय लेते हैं कि ये पेपर जो है उसमें धांधली हुई है, वो पेपर लीक हुआ है, तो निश्चित तौर पर वो ये निर्णय लेंगे पेपर।